कौन सा है मुझे नहीं पूछना। वी आर जस्ट गोइंग टू डू दी कैलकुलेशंस ऑफ लास्ट इक्वेशन, तो यही बेसिस पे हम सवाल सब करेंगे, ठीक है ना? तो प्लीज राइट अ क्वेश्चन। तो लिखिएगा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? एल्यूमिनियम है आपके पास, और क्या है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन कितनी है? 0.001, ठीक है? यहाँ पे आपके पास सॉल्ट ब्रिज, निकल 2 पॉजिटिव, 0.1 मोलर, ठीक है? और निकल, ठीक है, 0.2 मोलर, ठीक है? निकल का कितना दिया हुआ है? 0.1 मोलर, ठीक है? एंड यहाँ पे आपके पास ई नॉट दिया हुआ है, ई नॉट ऑफ एल्यूमिन, निकल दिया है आपको, निकल 2 पॉजिटिव से निकल का, दिस इज गिवन एज -0.25 वोल्ट, और जो ई नॉट दी हुई है आपको एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम, दिस इज गिवन एज -1.66 वोल्ट, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट दी ई नॉट सेल, उसके बाद लास्ट इक्वेशन लगाएंगे। लास्ट इक्वेशन लगाने के लिए पहले आपको तो केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, रिएक्शन पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसके बाद ही लास्ट इक्वेशन आप लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए ट्राई कीजिए प्लीज। लेट मी नो इफ यू गेट स्टक, ठीक है ना? रिएक्शन तो लिखना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखिएगा, उसके बाद यू विल कैलकुलेट द ई नॉट सेल, ई नॉट सेल के लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कीजिएगा, देन यू विल प्लग इन द वैल्यू इन द नेक्स्ट इक्वेशन, उसके बाद फिर आगे कीजिएगा, ठीक है? आराम से कीजिए, हो जाएगा। लेकिन
आई विल गिव यू, प्लीज स्टार्ट सेंडिंग मी व्हाट एवर यू हैव डन। अभी तक जितना किया वो प्लीज हमको भेज दीजिए, हम चेक करते रहेंगे, तब तक आप लोग आगे करते रहिए, ठीक है ना। टेक योर फोन, टेक अ फोटो, सेंड इट टू मी, नो मैटर हाउ मच यू हैव डन। हम सही गलत कुछ नहीं देखना चाह रहे, हम देखना चाह रहे अभी तक आपने कितना किया है, ठीक है। प्लीज स्टार्ट सेंडिंग दी एंड सेल्स व्हाट एवर यू हैव डन टिल नाउ, प्लीज सेंड मी व्हाट एवर यू हैव डन टिल नाउ। ओके, आई हैव गॉट आंसर फ्रॉम स्टाफ, प्लीज सेंड मी व्हाट एवर यू हैव डन, डोंट वेट टू गेट द कंप्लीट आंसर, जो भी किया है उसमें दीजिए प्लीज। अरे डायरेक्ट लगा दिया आपने इसमें 8 पॉइंट, ओह माय गॉड, ओहो। कहा कहने की समीर माइक ऑन, कहा यस सर, कहा कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन, यस सर, 0.059/n log of, क्या किया आपने, इतना कैसे करेंगे कल, ठीक है ना। उसको आसान करके दिया हुआ है ना आपको, वही लगाना है अभी से। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस दी दी आपको एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। ठीक यस हो, 100% हमेशा सर, ऑलवेज यू हैव टू पुट 0.059 वाला फॉर्मूला, ओके। कहा मेक सेंस, बट देन सर आर यू सपोज टू कैलकुलेट इन केल्विन? अरे भाई क्या बोल रहे हैं आप, थोड़ी बात सुन तो लीजिए कम से कम। एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, तो हमने 298 केल्विन ही तो डाल के इसको निकाला था, 0.059 होता है, भूल ओके, यू मीन गए लाइक आप। दैट? ओके आपको 0.059 वाला ही यूज करना है, ठीक है। ओके सर, यू विल नेवर हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, एटलीस्ट इससे बढ़कर नो कुछ यूज सर, नहीं किया जा सकता। सर जी नो, हाँ बताइए, आई वाज गोना राइट दैट ओनली नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्टेप। वो ये पूरा मत लिखा कीजिए कभी भी, ठीक है ना, वो बेकार टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है ना। ठीक ओके सर, है, ओके ठीक है, 0.059 यूज कीजिए, चलिए ठीक है। दिस इज क्वाइट गुड सुफियान, इतना किया आपने, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है फाइन। इफ यू कैन डू फ्रॉम हियर ऑल्सो, कि आगे भी अगर आप कर सकते तो प्लीज कीजिए। चलिए आई विल स्टार्ट चलिए नाउ राइटिंग दी आंसर्स, बाकी देखिए मरी में तूने कुछ नहीं भेजा, आमना तो भाग। चलिए तो हाँ ठीक है भेजिए, आपको बात नहीं, भेजिए। पहले हमने क्या बोला था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहीं से चूज कर लीजिए आप लोग, है ना, आसानी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस विल बी रिएक्टेंट, दिस विल बी प्रोडक्ट, दिस विल बी रिएक्टेंट, दिस विल बी प्रोडक्ट, है ना। तो रिएक्टेंट में आपके पास क्या है, यू हैव एल्यूमिनियम प्लस यू हैव निकल टू पॉजिटिव, के बाद यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में क्या क्या है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस क्या है आपके पास, निकल, प्लस निकल। नाउ द एटम्स आर बैलेंस बट दी चार्ज इज नॉट बैलेंस, यहाँ पे चार्ज 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 3 पॉजिटिव। चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर, सॉरी इसमें आपको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उधर आपको 2 मल्टीप्लाई, 3 हियर एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 2। ओवरऑल चार्ज हियर ऑल्सो इट इज 6 पॉजिटिव, हियर ऑल्सो इट इज 6 पॉजिटिव, नाउ द चार्जेस आर ऑल्सो बैलेंस। यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू मोल इनटू डेल्टा ओ। मोल्स आप किसी के ले लीजिए, कोई भी आयन ले लीजिए, निकल ले लीजिए, फिर एल्युमिनियम ले लीजिए, यू विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज 6। भेज दिया आपने बतूल, शांति से मिला हमको, कितना चाहिए आपने देखते हैं। रिएक्शन आपने सही से लिखा है, फिर उसके बाद आपने बाकी चीजें भी, हाँ की यहाँ तक सही से किया आपने, मरी बिल्कुल वेरी गुड। बट आप लोग प्लीज अपने अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप कीजिए, दैट इज डू नॉट हैव टू राइट द एनोड एंड कैथोड, सीधा आप कैसे लिख सकते हैं ना। अब उसका 3 का 3 कर दीजिए इसको, 2 एल्यूमिनियम के 2 एल्यूमिनियम कर लीजिए, है ना। फाइन, ट्राई टू डू दिस, ट्राई टू राइट द इक्वेशन डायरेक्टली, अभी शायद नहीं हो, एनोड और कैथोड करके आप सोचिए जरा कि हम डायरेक्टली उसको कैसे लिख सकते थे। फाइन, आपको खुद सोचना पड़ेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी रिएक्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। आप एनोड लिखिए, कैथोड लिखिए, वेरी गुड, उसके बाद सेल रिएक्शन लिखिए, उसके बाद थोड़ा सा सोचिएगा सेल रिएक्शन डायरेक्टली कैसे लिखा जा सकता था, है ना। रिएक्शन और प्रोडक्ट करके चार्ज को बैलेंस करना रहता है फिर, ठीक है ना। रिएक्शन प्रोडक्ट में एटम बैलेंस कीजिए, उसके बाद चार्ज बैलेंस करते हैं। देन वी हैव टू कैलकुलेट द ई नॉट, ई नॉट सेल जो होगा दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम का 1.66 ले लेंगे, एल्यूमिनियम का, हाँ एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो 1.66 माइनस
हाँ इसका रिडक्शन हो रहा है तो प्लस, इसका रिडक्शन हो रहा है ना, हाँ प्लस नहीं, -0.25। अरे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप, पेपर माइनस भी कर सकते हैं, 1.66 - 0.25, 1.41 आ रहा होगा उसका, है ना, 1.41 वोल्ट। ठीक, नाउ विल डू ई नॉट। ई सेल इज इक्वल टू, नॉट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टिक मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, एल्यूमिनियम सी पॉजिटिव का स्क्वायर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ निकल टू पॉजिटिव का क्यूब। बाय द वे राइटिंग दिस मच ऑल्सो विल गिव यू 1 मार्क बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये ऐसे लिखने का भी, जो नर्स इक्वेशन आप सही से अगर लिख दें तब भी उसका पार्शियल मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है। नाउ आई विल डू द लॉग पार्ट सेपरेटली, है ना, तो लॉग ऑफ क्या करना होगा हमको, एल्यूमिनियम का कितना 0.001, दैट मीन्स 10 to the power -3, आई हैव टू स्क्वायर इट डिवाइड बाई, फॉर निकल आई हैव 10 to the power -1, आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू क्यूब इट, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 to the power -6 अपॉन 10 to the power -3, ये कितना हो जाएगा 10 to the power -2, दिस विल बी लॉग ऑफ 10 to the power -3, तो लॉग ऑफ 10 to the power -3 विल बी इक्वल टू हाउ मच, ओनली 2, लॉग विद बेस 10 और ये 10, तो -2 क्यों लिखा हमने, बेसिकली -3। बेसिकली आंसर क्या होता है ना, 10 to the power -3, 10 to the power -3 जोड़ के 10 बोलेंगे। ठीक है, तो लॉग की वैल्यू आ गई -3 आ गई, ई नॉट की वैल्यू डाल देते हैं 1.41 - 0.0591 डिवाइड बाई 6 into -3, तो दिस विल बी गेटिंग कैंसिल बाई 2, और आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दिस विल इक्वल टू 1.41 प्लस 0.059, ओ सेकेंड 2 नीचे आएगा ना, 0.0591 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1.41 प्लस आपके पास 5 का आधा 2, 19 का आधा, 19 का आधा 9, 21 का आधा 10, और फिर उसके बाद 5 एंड 0.029105, ऐसे कुछ आएगा ना। क्या कर दिया हमने, अभी 5 आएगा ना, 5 5 होगा शायद, है ना, कैन समबडी डू द कैलकुलेशन, क्या 1.43955 नहीं 0.059 डिवाइड बाई 2 ठीक है, 0.0591 डिवाइड बाई 2, हाँ ठीक है, इसका 0.02955 ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दो ही तक ऐड करना है आपको, तो हो जाएगा आपके पास 5 ऐसे 5 ऐसे, आई थिंक 9 भी ऐसे ही रहेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, और पॉइंट हो जाएगा 1 हो जाएगा, जिसमें नहीं वोल्ट, यू कैन राइट दिस एज 1.44 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, बिकॉज 9 3 9। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। Raise your hand once you're done.
ऑल ऑफ यू डन। मरियम बतूल जस्ट वेटिंग फॉर यू। थोड़ा आपको लॉक समझ में आ रहा है मरियम बतूल, बताइए। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है बस। तो चलिए हम हल्का सा आपको बस आइडिया, आमना आपको आना थोड़ा लॉग। यस आपको बस देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होगी ना मरियम बतुल, बताइए किसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, बस राइट यहीं पे ना। उससे पहले तो पावर्स ऑफ टेन में प्रॉब्लम नहीं है ना चलो मरियम, थोड़ी आवाज उसमें भी है। आपकी नहीं आ रही है। प्लीज सर माइक ऑन जी। हाँ सर वहाँ पे है बट लिटिल बिट उत्तर उससे पहले भी है पावर्स ऑफ टेन में जी, जैसे क्योंकि क्या हमें क्या सही से दिक्कत है? बताया नहीं था लास्ट टाइम मैम ने हमारी। अरे मैम ने हमारी, ये तो पुरानी चीज है ना भाई, 7-8 क्लास का एक्सपोनेंशियल माइक ऑन रखिए माइक ऑन। सर आप लीजिए हाँ जी मरी। सर, वो बेसिक एक्सपोनेंट जो है वो तो समझ में आ रहा है बट जहाँ पे लॉग लगाना है वो समझ में नहीं आ रहा। देखिए नहीं तो देखिए एक सेकंड एक सेकंड, माइक ऑन रखिए भाई, तो माइक क्यों ऑफ कर देते हैं आप जी? सुनिए जरा, यहाँ पे आपके पास 0.001 को हमने 10^-3 किया, कैसे प्रॉब्लम है आपको पक्का? नहीं हाँ 0.002 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 10^3 सिर्फ 10^3। ठीक इनटू टू है, 2 × 10^3 या -3 प्लस 3 3 ये तो 2000 हो जाएगा ना। ओ हाँ डेसिमल -3 पक्का ना? हाँ सर। इसमें नहीं दिक्कत होनी चाहिए, इसमें दिक्कत होगी तो फिर बहुत पीछे से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है अभी बताइए, 10^-3 है उसके ऊपर माइनस, उसके ऊपर +2 है, तो 10^-6 हो जाएगा ना। आपने पढ़ा होगा a^b c हाँ सर होता है, a^b × c ये पढ़ा है आपने, ठीक है ना। जी अभी सर उसके बाद सिर्फ लॉग को, ये तो हमने पहले जो 10^ है उसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो 10^ के सिंप्लीफिकेशन में तो दिक्कत नहीं है ना। नहीं अच्छा आपको पता है ये 2 कहाँ से आ रहा है, ये 2 कहाँ से आ रहा है बताइए? वो जो डिनोमिनेटर में या है फिर ये यहाँ पे नहीं, ये 2 कहाँ से आ रहा है और ये 3 कहाँ से आ रहा है? वो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जो लगा है वो हाँ ये निकल के पावर में यहाँ पे ये 3 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। अच्छा आपको पता है एल्यूमिनियम और निकल को हमने नहीं लिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई हैव नॉट टेकन एल्यूमिनियम एंड निकल, वाई? डू यू नो दैट? नो सर। अरे ये सब लिखाए थे यार मरियम, कल हम लास्ट क्लास में लिखा था ना, फॉर आप नहीं रीड कर पाए क्या? आप रीड किया है आपने लास्ट क्लास? फॉर प्योर सॉलिड कॉपर जिंक आयरन एंड प्योर लिक्विड वाटर एक्सेट्रा कंसंट्रेशन इज टेकन एज 1, तो 1 लेने का मतलब उसको ना ही लेना ना, इंटू 1 करेंगे यहाँ पे, अगर किसी की भी कंसंट्रेशन इंटू 1 करेंगे तो 1 ही मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, याद आया? ठीक हाँ सर है तो हम बेसिकली बात आप ये पूछना चाह रहे हैं लॉग 10^-3, तो इसको आप सॉल्व करके ला सकते थे ना, 10^ को तो सॉल्व कर सकते हैं, आया ना बताइए? हाँ इतना ही हमको चाहिए, उतना आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, घबराइएगा मत, आपका आंसर वहीं तक है, ठीक है अभी ओके सर खेल राइट। और बिल्कुल अगर जो सिंपल होगा ना हम आपको उसके लिए बता दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अच्छा आपने ये देखिए लॉग 10^-3 कितना आया आंसर, लॉग 10^-3 आंसर कितना आया? -3 ठीक है, अगर लॉग में 10^-2 होगा तो कितना आएगा? -2 -2। अगर लॉग में 10 होगा तो कितना आएगा? ठीक -1 है, 10^ कितनी है यहाँ पे? अच्छा 1 लॉग मान लेते हैं 10^2, यहाँ पे मान लेते हैं लॉग 10^2, तो कितना आंसर आएगा? 100
नहीं टू आएगा ना, -3 का 2 -3 आया, -2 का तो -2 आया, लॉग की लॉग में 10 की पावर 2 है तो कितना आएगा, 2 आएगा। और सिमिलर ही है लॉग में, अगर मान लेते हैं 10 की पावर 4 होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 4। फोर ठीक है, उसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं लॉग में लॉग 10 हो, लॉग 10 तब कितना आ जाएगा आंसर, 10 की पावर में क्या है यहाँ पे, हाँ कितना आ गया, अच्छा ठीक है। और लॉग अगर 0 हो, लॉग अगर 0 हो, लॉग 0 नहीं लॉग 1 है, लॉग अगर 1 हो तो कितना होगा आंसर, देखो लॉग 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 0, हाँ 0 हो जाएगा ना, लॉग 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 0, बस में आ गई, थोड़ा जी बहुत इतना कर लीजिएगा ना आप, 10 की पावर जब आएगा कम से कम, 10 की पावर तो सिंपलीफाई अलग से कीजिएगा, देन उसके बाद वैल्यू प्लग इन कर दीजिएगा। ओके सर, और एक सवाल कम से कम आप लोग खुद से कर लीजिए, वैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको कीजिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोग, ऐसे ज्यादा हार्ड नहीं, ई नॉट वगैरह सब हार्ड ठीक है आ जाएगा आंसर, इसको छोड़ दीजिएगा ना, ये लॉग वॉग का वैल्यू ऐसे बता, आपको घबराने के लिए दिया रहता है ठीक है ना, डोंट इग्नोर दिस लॉग वैल्यू, लॉग 10 इज इक्वल टू 1 ऐसे फालतू में दिया रहता है, ये सबको करना है ठीक है ना।
थिंक आई वॉट वन आंसर फ्रॉम सुफियान। चांस सॉरी व्हाट क्लोजिंग क्या? एंड इसमें कहा था कहा ताहा ताहा ताहा। यस सर हेलो, थोड़ा उसको ऐसे पोर्ट्रेट मोड में भेज दीजिएगा प्लीज, लैंडस्केप में, मतलब मेरे लैपटॉप में दिखने बहुत दिक्कत हो रही है। कैन ओके सर टेक वन मोर एंड जस्ट शेयर इट विथ एंड रोटेट इट। थैंक यू वेरी मच। हाँ कंसंट्रेशन था, लुक एट दी कंसंट्रेशन। यस कितना लिया आपने? ओह इट्स वन सर ठीक है ओके टी नॉट ठीक है। सो क्या लुकिंग एट योर आंसर नाउ? एक्चुअली सीम्स फाइन, सीम्स फाइन। देखते ओके हैं पहले, लेकिन है ना, कल किसी एग्जाम कर लेते हैं उसको, देखते हैं व्हाट हैपेंड। आम आम ना होता तो कनेक्शन ही ठीक नहीं लगता। मरी मदून व्हाट एवर यू हैव डन। ओके सर, आई एम सेंडिंग 1 मिनट। आमना, आपका तो कोई भी आंसर नहीं आ रहा है आमना। कर रही हूँ मैं। जल्दी है हाँ तो भेज दीजिए ना, जल्दी भेज दीजिए, थोड़ा जितना भी गया उतना भेज दीजिए।
लेकिन गॉट योर आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो सही लग रहा है, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक सही है। देखते हैं, आप ना आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जरा, हम लोग आगे भी पढ़ना है ना हम लोग को। अच्छा सर भी नर्स टाइम की क्वेश्चन लगेगा टाइम क्योंकि नेटवर्क लगेगा, प्रॉब्लम नेटवर्क बहुत हो रहा है जी। प्रॉब्लम हो रहा। अच्छा ठीक है, हाँ अब बार बार डिस्कनेक्ट भी हो जा रहा है। चलिए देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल तो यहाँ पे दिया हुआ है, एंड दिस इज द रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट है, दिस इज द प्रोडक्ट और ये भी प्रोडक्ट है। तो पहले इक्वेशन डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग। रिएक्टेंट में क्या क्या है हमारे पास, वी हैव जिंक प्लस एच प्लस, दिस इज गोइंग टू गिव अस जिंक टू पॉजिटिव प्लस एच टू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बैलेंस दी एटम्स। तो जिंक एक है, जिंक एक इधर भी है, हाइड्रोजन वन, वी आर हियर वी हैव टू हाइड्रोजन, आई विल टू ऐड टू एच सी एल। और द चार्ज बैलेंस टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी टू पॉजिटिव है ना, चार्ज ही क्या है यहाँ पे, बैलेंस है ना। मूविंग ऑन, देन वी कैलकुलेट द ई नॉट। ई नॉट विल बी इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, अभी कर देते हैं, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड इट इज इक्वल टू हाउ मच, 0 माइनस, एनोड इज -0.76 वोल्ट्स, सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, नाउ विल कैलकुलेट द प्लग इन द नर्स इक्वेशन, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज विल बी इक्वल टू 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस स्क्वायर डिवाइड बाई द कंसंट्रेशन ऑफ जेड 2 पॉजिटिव एंड द प्रेशर ऑफ एच टू, है ना, प्रेशर भी लेना रहता है यहाँ पे, तो भले ही वन है बट स्टिल यू हैव टू टेक दैट। नाउ लेट अस कैलकुलेट द लॉग पार्ट। तो लॉग पार्ट में अगर हम देखें तो एच प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, 0.01, इफ वी आर गोइंग टू स्क्वायर एंड हियर वी हैव 0.001 एंड प्रेशर ऑफ एच टू इज 1 × 1, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10^-2 डिवाइड बाई 10^-3, दिस विल बी इक्वल टू 10^-4 डिवाइड बाई 10^-3, इट विल बी इक्वल टू 10^-1। आई होप दैट इज राइट, यस और नो, देख लीजिए तो एक बार प्लीज, सही है यहाँ तक मेरा? हाँ जी बताएं, सही है? नहीं सही है क्या यस भाई? सही है ना, उल्टा कर दिया हमने, उल्टा सर, वी कर दिया, ओ माय बैड, हाँ उल्टा कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, प्रोडक्ट ऊपर आएगा ना, प्रोडक्ट इज जेड एन टू पॉजिटिव, माय बैड, जेड एन टू पॉजिटिव एंड बिलो वी आर गोइंग टू हैव रिएक्शन दैट इज एच पॉजिटिव स्क्वायर्ड इनटू जेड एन टू पॉजिटिव के साथ प्रेशर ऑफ एच टू आएगा। ठीक है, बस ये उल्टा कर दीजिए सारी चीजें, 10 आ जाएगा आंसर सर, लॉग 10 विल बी इक्वल टू 1। हां 0.001 डिवाइड बाय 0.01 स्क्वायर्ड विल बी इक्वल टू 10^-3, दिस विल बी इक्वल टू 10^-4, दिस विल बी इक्वल टू 10^-3 + 4, इट विल बी इक्वल टू 10 एंड लॉग 10 विल बी इक्वल टू 1, सो वी हैव टू जस्ट राइट हियर 0.076 -0.059 को आप अप्रोक्सीमेट करके आप 0.6 कर दीजिए, इनटू 1 है बिकॉज लॉग 10 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.076 -0.03, विच विल बी इक्वल टू द ई विल बी इक्वल टू 0.76 है ना यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 0.73 वोल्ट। चलिए इसको कॉपी कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ ऑनलाइन मरियम वेटिंग फॉर यू।
चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आप, लास्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम देखिए, इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम जब कुछ नहीं हो रहा होता तब बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया, फाइन। व्हेन देयर इज नो अपेरेंट चेंज इन द सिस्टम देन वी से दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव। जब अपेरेंटली कोई चीज चेंज नहीं कर रही, इवन द चेंजेस आर हैपनिंग इन द माइक्रोस्कोपिक लेवल, बट अपेरेंटली देयर इज नो चेंज, ना ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना ही किसी का फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, ना ही किसी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इवन द केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रही है, बट अपेरेंट आपके पास कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, देन वी से दैट इट इज नॉट दिस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आपके पास जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है, दैट मींस सेल काम ही नहीं करेगा बिकॉज कुछ हो नहीं रहा ना, रिएक्शन हो नहीं रही है, जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड, जितना ऑपरेशन उतना रिडक्शन, तो नेट क्या हो जाएगा, सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। और एट इक्विलिब्रियम ईएमएफ जो सेल आएगा, ईएमएफ ऑफ सेल विल बी इक्वल टू जीरो, एंड जो लॉग क्यू है आपका, बिकॉज वी आर एट इक्विलिब्रियम दिस विल बी इक्वल टू लॉग के, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रेस टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम पे जब इसको लिखते हैं तो वी कैन राइट ई सेल, जो हमारा लास्ट इक्वेशन था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग सी। दिस वाज आवर What, this was our last equation. At equilibrium, क्या क्या हो जाएगा? EMF of cell क्या हो जाएगा? Zero. E naught cell तो हम लोगों ने standard condition पे निकाला हुआ, तो E naught cell तो हमेशा रहेगा कुछ ना कुछ। E naught cell is a constant है ना? -0.059 divided by n log k. Log k. ऐसे देखिएगा। You can write E naught cell is equal to 0.059 divided by n इंटू लॉग के। कभी कभी आपसे लॉग के भी पूछा जा सकता है, तो लॉग के विल बी इक्वल टू एन को उधर भेज दीजिए, एन ई नॉट सेल डिवाइड बाई 0.059। कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। वेटिंग फॉर आमना एंड मरियम। ठीक है, जस्ट वेटिंग फॉर मरियम। मरियम हो जाए तो बताइएगा, हो गया। सिंपल सा इक्वेशन, सिंपल सा सवाल, ये डेल्टा जी नॉट हटा दीजिए आप, कैलकुलेट लॉग केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हो जाएगा ना। देखिए लॉग के निकालना है आपको बस, जी बताइए हो जाएगा। आमना, मरियम, ताहा, सुफियान, यस सर, हो जाएगा ना। लॉग के इज इक्वल टू यस एन ई नॉट सेल सब कुछ दिया हुआ आपको, सीमिंगली हार्ड टॉपिक से आपको बहुत आसान सवाल आएंगे जिसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। सीमिंगली हार्ड टॉपिक हो जाता है, ओ माय गॉड लॉग के सी आ जाएगा, ई नॉट सेल में जीरो हो जाता है, बाप रे क्या जाएगा। लेकिन आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला के ऊपर दो तीन सवाल लगाइए, फिर दो तीन दिन रुक जाइए, फिर दो तीन बार फिर सवाल लगाइए, फिर रुक जाइए टेस्ट से पहले, फिर दो तीन सवाल लगाइए, फिर हाफ ईयरली से पहले सवाल लगाइए, ये करते रहिए आप,
याद हो जाएंगे फॉर्मूला, याद करने की जरूरत नहीं रहेगी कि बैठ के पकड़ के याद कर रहे हैं। रीडिंग कर लिया कीजिए, वंस दी क्लास इज डन प्लीज रीड द टॉपिक। तो आप लोगों को ग्राफ नहीं कराया हमने, ना किसी का ग्राफ करा लेंगे। वन स्टूडेंट सेंड दी आंसर ऑन माय व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे आंसर भेज दीजिएगा वन स्टूडेंट। जस्ट वेटिंग फॉर सुफियान। अरे भाई आंसर तो लिख दो, एड्रेस तो सबने कर लिया, आंसर कौन भेजेगा? आंसर भेजिए कितना आ रहा है? ठीक है शायद सही आ रहा है, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा हमको, बट सीम्स फाइन। सुफियान वेटिंग फॉर यू, योर आंसर। मरियम बतुल वेटिंग फॉर योर आंसर। तो क्या कहा का सेम आंसर आ रहा, तो पुलिस सही होना चाहिए। मरियम बतुल भेज रहे हैं आंसर, आया आपका मरियम? सर कर रही हूँ 2 मिनट। कहाँ तक आया? जितना आया उतना भेज दीजिए ना कम, आप फिर करते रहिएगा। ओके सर। भाई इतना टाइम लगाएंगे कहाँ से लेगा, साहब ही नहीं है भाई उन लोगों को।
लॉग के इट इज इक्वल टू एन इंटू ई नॉट सेल माइनस डिवाइड बाई 0.059। एन कितना है यहाँ पे? आई थिंक यू कैन सी दैट इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट सेल दैट इज 1.05। एन निकला था मरियम आपका, एन मरियम एन निकाल लिया था आपने, इतना हाँ सर, उतना तो आया था। आ गया ना, उसकी कैलकुलेशन कर रहे थे बस आप। जी चलो हाँ तो ठीक है ना, तो दे दीजिए कितना आ रहा है कैलकुलेशन, तो उसमें मतलब गलती हो रही है उसमें, तो फिर मतलब ठीक हो जाएगा, वो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, तो ऐसे तो गलती भी नहीं होनी चाहिए कुछ, लेकिन सिर्फ भी इक्वल टू 35.59 है ना, तो यूनिट नहीं होगा इसका, बस इतना आंसर आ गया। प्लीज कॉपी कीजिए जरा, एक दो सवाल हम थोड़ा सा और आपको कराना पड़ेगा, जैसे पीएच वगैरह हो, आई थिंक पीएच का कोई सवाल नहीं कराया हमने। और मुझे 34.5 आया। हाँ चलेगा, काफी है 34.5, फाइन, तो कितना चलता है। कैलकुलेशन आप और अच्छे तरीके से कर लीजिएगा तो फिर और ठीक हो जाएगा वैसे, ठीक ओके सर। है। जब डिवीजन में मिस्टेक हो रही है ना बात, बस तो डिवीजन तो मतलब आपके ऊपर कितना एक्यूरेटली आप करते हैं, और उसमें जो जी मिस्टेक हो रहा है वो आपको मतलब जो डिवीजन आपने किया है उसमें देखिएगा तो आपको बहुत समझ में भी आ जाएगा, अच्छा ठीक है यहाँ पर हमने मिस्टेक किया है। तो जी चलिए तो पीएच वाले सवाल करते हैं, उसका फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीएच का हमने सवाल नहीं किया था, तो सवाल कुछ यूं है, ठीक है दिस इज अ क्वेश्चन इन एक सेकंड, सवाल है लगता है पीवाई क्यूज में जो देख लेते हैं बस। हाँ कितना व्हाट इज द पीएच ऑफ एचसीएल सॉल्यूशन एंड द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शोस पोटेंशियल ऑफ -0.59 वोल्ट एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। इस सवाल में दिक्कत बस ये आई है आपको कि मतलब कुछ दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है ना, ना इक्वेशन दी है ना कोई सेल बनाया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। सवाल लिखिए फिर हम कराते हैं आपको कैसे करना है सवाल को। केमिस्ट्री में दो मतलब एक तो नॉर्मल सवाल होते हैं जो जितना चाहिए उतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सिंपल से आपको चीजें निकालनी हो तो आसानी हो जाती है। कई बार कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, और कई दफा कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहता, जैसे ये सवाल यहाँ बीन गिवन ओनली वन वैल्यू 0.59 वोल्ट, और उससे बोला कैलकुलेट करने, भाई एक वैल्यू से हम क्या कर लिया, एक वैल्यू से ही हम डिवाइड कर सकते हैं ना ही मल्टीप्लाई, एक वैल्यू का क्या किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता है। बट होपफुली आपके साथ ये दिक्कत नहीं होगी बिकॉज यू आर इन 12th स्टैंडर्ड नाउ, है ना, 11th तक दिक्कत आती है सर। चलिए होपफुली हैव रिटन द क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है व्हेन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो हम लोग को पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था हमारे पास, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बस टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से तो स्टैंडर्ड है, और कंसंट्रेशन भी मान लेते हैं कंसंट्रेशन भी वहां पे स्टैंडर्ड रहती है, ठीक है ना। बट राइट नाउ व्हाट वी कैन डू, आप लोग रिएक्शन तो लिख ही सकते हैं, तो रिएक्शन क्या होगी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी रिडक्शन वाली, बिकॉज मतलब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बोल दिया ना सर ऐसे, तो रिडक्शन वाला रिएक्शन ले लीजिए आप, 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव यू H2। हाउ डिड यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इन्होंने कहा है, HCl का सोल्यूशन उसमें आपने डाला हुआ है, ठीक है। अब आपके पास देखिए दिस इज हाफ सेल, हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, तो नाउ यू कैन डू ई सेल,
इज इक्वल टू ई नॉट सेल, तो सिग्नि सेकेंड इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 डिवाइड बाई एन, कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो दिया, 2 हो जाएगा, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ H+ की स्क्वायर, कंसेंट्रेशन ऑफ H+ की स्क्वायर। यू आर सीइंग एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर का मतलब हो गया कितना, प्रेशर का मतलब हो गया आपके हाइड्रोजन पास 1 1 atm। तो ई नॉट सेल कितना होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट सेल तो 0 होता है, तो -0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर भी करके तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, H+ का स्क्वायर होना चाहिए, 2H+ है। तो ई सेल कितना दिया हुआ है, -0.59, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं, 0.59 इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस कैंसिल, 0.059 डिवाइड बाई 2 एंड लॉग ऑफ आपके पास आ गया। अच्छा देखिए, लॉग ऑफ 10 की पावर 2 था तो 2 नीचे आ गया, लॉग ऑफ किसी चीज की पावर, अगर पावर में कुछ रहेगा वो 2 नीचे आ जाता है, ठीक है, तो दैट 2 विल कम डाउन लाइक दिस, वो 2 नीचे आया तो इंटू 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन H+, ठीक है। अब आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से 2 कट गया, लॉग ऑफ 1 अपॉन H+ इज इक्वल टू 0.59 डिवाइड बाई 0.05, 0.059। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर देखें लॉग ऑफ H+ इज व्हाट, इट इज -log H+। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी है थोड़ा याद हो तो ठीक है, 0.05 में 59 में इफ यू गेट जो मल्टीप्लाई 10 देन यू विल गेट 0.05, है ना, ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस ऑफ लॉग H+ इज नथिंग बट द पीएच, पीएच की डेफिनेशन होती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, पीएच कितना आ गया, 10 आ गया आपके पास। इस सवाल को 2 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, रिपीट कीजिएगा फिर 2 3 दिन बाद रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है, तब याद रहेगा, दिस इज अ यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, अलग है बाकी से। चलिए कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस डन। वेटिंग फॉर आमना, हो गया, एक और सवाल कीजिए। देखिए कैलकुलेट द ई सेल बोला है वो तो हम लोग निकाल ही लेंगे, है ना, कैलकुलेट द ई सेल बोला हुआ वो तो हम लोग निकाल ही लेंगे, राइट। उसके बाद एक और सवाल किया, व्हाट राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड, पोटेंशियल अप्लाइड इज लेस देन 2.71 ग्रेटर देन 2.71, यानी कि आपके पास जो करंट है दौड़ रहे हैं, ने बोला कि एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल मतलब उल्टे साइड से पोटेंशियल लगाया जाए, एक बार क्या रहे 2.71 से कम रहे और एक बार 2.71 से क्या रहे ज्यादा रहे, तो करंट का फ्लो कैसे होगा, ये पूछा हुआ है आपसे। सॉल्व लिखिए फिर हम बता रहे हैं। सवाल लिखे फिर हम बता रहे हैं।
ई नॉट सेल फॉर द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन इज 2.71 वोल्ट, मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव 0.01 मोलर गिव्स Mg2 पॉजिटिव 0.001 मोलर कॉपर. कैलकुलेट द ई सेल फॉर द रिएक्शन, राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाइड इज लेस देन 2.71 मोर देन 2.71. ठीक है, जब कोई भी पोटेंशियल डेवलप मतलब अप्लाई नहीं किया गया होगा ना, जब व्हेन द सेल इज वर्किंग विदाउट एनी एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल, देन एट दैट टाइम नॉर्मली क्या हो रहा होगा, आपके पास फ्लो ऑफ करंट हो जाता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, एनोड से कैथोड तक, है ना, एनोड से कैथोड क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाता है आपके पास एनोड से कैथोड, यानी फ्लो ऑफ करंट विल बी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड क्या फ्लो करेगा, करंट. डज दिस मेक सेंस, यस और नो? जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसके अपोजिट होता है ना करंट का मूवमेंट, कन्वेंशनली क्या ख्याल है, बताना सबको ये बात. यस मरियम सुफियानंद दाहा, टेंथ में आपने पढ़ा होगा एक तरह से, अभी तो पढ़ रहे होंगे 12th में, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ रहे होंगे 12th में, ठीक है ना. तो सर, राइट नाउ आपके पास क्या हो रहा है, कॉपर से, कॉपर कंपार्टमेंट से मैग्नीशियम कंपार्टमेंट में फ्लो ऑफ करंट हो रहा है. व्हेन दी एक्स अभी लेकिन फ्लो ऑफ करंट जो है ना किस वोल्टेज की वजह से हो रहा है, 2.7 वोल्ट, 1 वोल्टेज की वजह से हो रहा है. तो व्हेन यू आर गोइंग टू डिक्रीज द वोल्टेज, व्हेन यू आर गोइंग टू डिक्रीज द वोल्टेज, तो उस टाइम भी क्या होगा, डिक्रीज, तो करंट कम फ्लो करेगा बट इट विल स्टिल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू मैग्नीशियम. तो फर्स्ट केस में क्या होगा, व्हेन द एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज 2.71 बट इट इज लेस देन 2.71, एक्सटर्नल अपोजिट अपोजिट पोटेंशियल इज लेस देन 2.71, उस टाइम भी इलेक्ट्रॉन ही करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू मैग्नीशियम. लेकिन जैसे ही आपने पोटेंशियल 2.71 से बढ़ा दिया तो फिर उल्टे साइड में करंट फ्लो करने लगेगा, बिकॉज आपके पास अभी 2.71 से कम है तो कॉपर से मैग्नीशियम, कॉपर से मैग्नीशियम, जैसे 2.71 के एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा तो करंट स्टॉप हो जाएगा फ्लो करना. अगर 2.71 से ग्रेटर कर दिया आपने तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा एमजी टू कॉपर, सिंपल. तो कॉपी कीजिए, फिर हमको ये बताइए, ई सेल निकालिए, इसका लास्ट इक्वेशन लगा के ई सेल निकालिए. ये तो आप लिख लीजिए 1 और 2 वाला. एक और यहाँ पे ना, कैलकुलेट द ई सेल फॉर द रिएक्शन, उसको भी करना है.
सेंड दी आंसर वंस यू आर डन। लग रहा है मरियम बतून हो रहा है आपसे। मरियम ठीक हाँ सर, कर रही हूँ। है ठीक करके भेजिए जरा। बाय द वे ये यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्लो ऑफ करंट सुफियान। है ना, वहां पे आपने लिख इलेक्ट्रॉन लिख लिया ना, तो इलेक्ट्रॉन से शायद आपको पता लगे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रहा है। लॉग के बाद का वाला वैल्यू कितना आ रहा है मरियम बतूल, पावर्स ऑफ 10 को सॉल्व करने के बाद? अच्छा सर अभी कर रही हूँ, 2 मिनट। जी सॉरी जी। ठीक आपके बैच में इंशा करके दिखी ना मरियम। अच्छा 2.74 अरे आपका आंसर आ गया 2.74। जी। लॉक के अंदर एक्चुअली की वैल्यू कितनी आई है आपके? लॉक के अंदर जो डेसिमल जो आपने पावर्स ऑफ 10 को सॉल्व सिंप्लीफाई किया होगा वो कितना आया? तो 0.001, 0.01 ये आपके पास हो जाएगा कितना बैलेंस है ना रिएक्शन पे? हाँ 0. यानी 10 to the power -3 होगा ये। ठीक बाई 0.01 जी। -2 होगा ये, है ना? तो इक्वल टू 2.71 - 0.059 डिवाइड बाई 2 log of 10 to the power -1 ये कितना जाएगा? 2.71। क्या गलती क्या मतलब? तो क्या गलती हुई आपसे, लिख गया आपको? कुछ माइनस बोले क्या? वन आ जाएगा ना इनटू माइनस अच्छा वन 2.71 -1 और -1 क्या हो जाएगा? ये तो प्लस दिस विल बी 0.03 है ना। ये कितना जाएगा? 2.74 वोल्ट। कॉपी दिस डाउन, क्या कॉपी का कीजिएगा? आपने दोनों ने तो कर लिया ना। ठीक है जरा एक बार ना ग्राफ एक दिखा देते हैं आपको, उस पर हो जाएगा काम। और तो देख लीजिए ग्राफ फॉर नर्स सिचुएशन, ग्राफ फॉर नर्स सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वी विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ रिएक्शन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड रिएक्शन ले रहे हैं। वी हैव सम मेटल विथ एन पॉजिटिव चार्ज, इट इज ईटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड गेटिंग कन्वर्टेड टू मेटल। तो दिस इज अ सेल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग, और नॉट अ सेल रिएक्शन, दैट इज अ हाफ सेल रिएक्शन। ईएमएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू द ई नॉट ऑफ वॉट एवर एम एन पॉजिटिव टू एम एन है टू एम -0.059 डिवाइड बाई एन दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग ऑफ 1 upon metal n positive। तो किस तरह से है आपके पास फाइन। अब इसमें आपको क्या करना है,
हियर वी आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ। अब ग्राफ जो होगा वो किस किस सीरीज में होगा? द ग्राफ विल बी बिटवीन द ईएमएफ ऑफ द सेल वर्सेस लॉग ऑफ मेटल वर्सेस लॉग ऑफ मेटल, ठीक है। तो ये आपके पास ई वर्सेस लॉग ऑफ वन अपॉन एम, लॉग ऑफ वन अपॉन एम, लॉग ऑफ एम, ठीक है। लॉग ऑफ वन अपॉन एन जो है इसको हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन। अब जब अगर रेसिप्रोकल करते हैं ना इसको तो लॉग नेगेटिव हो जाता है, माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एन, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इफ आई रिमूव दिस माइनस फ्रॉम हियर तो मान लीजिए आप यहाँ पे ऐसे क्या आ गया, प्लस आ गया इनटू दिस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज योर वाई, एक्स आपके पास क्या है, लॉग एम क्या है, एक्स है आपके पास, एक्स के साथ जो भी रहता है वो क्या होता है, स्लोप एम एक्स, और ये क्या है आपके पास, सी दैट इज द इंटरसेप्ट। तो वी आर गोइंग टू मेक अ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप ऑफ ग्राफ, जिसमें आपके पास वाई एक्सिस में कौन है, वाई एक्सिस में आपके पास है ई एम एफ ऑफ द सेल, एक्स एक्सिस में क्या है, लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। एंड इन दिस ग्राफ यू हैव अ पॉजिटिव स्लोप, ई नॉट क्या है, पॉजिटिव, तो स्लोप आपके पास पॉजिटिव होगा। एंड सॉरी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, बिकॉज एम की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, विल बी हैविंग समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखिए जरा बात समझ आ रही है, आया ना बताएं। यस प्लीज राइट दिस डाउन, ग्राफ और लास्ट इक्वेशन।